नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। सोशल मीडिया पर एक कांस्टेबल महिला का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें चंडीगढ़ में ट्रैफिक पुलिस में काम करने वाली कांस्टेबल अपने एक साल के बच्चे को गोद में लेकर सड़क पर ट्रैफिक कंट्रोल करते नजर आ रही हैं। दरअसल कांस्टेबल प्रियंका का बच्चे को गोदी में लिए हुए ट्रैफिक कंट्रोल करने का वीडियो जमकर वायरल हुआ और लोगों ने माँ के जज्बे को सलाम किया और उनके काम की खूब सराहना की। आप भी देखें ये वीडियो। वहीं प्रियंका का कहना है कि मेरा बच्चा छोटा है, मेरे बिना घर पर नहीं रह पाता। अक्सर मेरे पति या परिवार वाले बच्चे को लेकर मेरी ड्यूटी वाली जगह आते हैं। बच्चा अगर रोता है तो मैं उसे कुछ समय के लिए गोद में उठा लेती हूं, लेकिन अपनी ड्यूटी में कोताही नहीं करती हूं। वायरल हुए इस वीडियो पर कुछ ही देर में मिलियन व्यू आ गए और लोगों ने कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने उनके लिए तालियां बजाई कि किस तरह वो ड्यूटी के दौरान अपने बच्चे को संभाल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उनके बच्चे को ड्यूटी पर लाने के खिलाफ नजर आए। एक यूजर ने लिखा कि इस कोरोना महामारी और प्रदूषण में छोटे बच्चे को लाने की क्या जरूरत थी, तो वहीं एक यूजर ने लिखा कि माँ के इस जज्बे को सलाम। जानकारी के मुताबिक प्रियंका को चंडीगढ़ सेक्टर 29 में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए लगाया गया था। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।